गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 27 जनवरी है और आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे सुबह, तो आज बहुत सारा काम है, स्टूडियो सेटअप करना है, फिर उसके बाद दूसरे और भी काम है। लाइव के लिए जो कैमरा बुलवाया था उसका भी रिज़ल्ट चेक किया, अच्छा है, तो इसके लिए बाकी किन से लाइव करना है, किस तरीके का उसका पूरा प्लानिंग करना है और फिर दूसरे और भी काम है, तो फटाफट बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और स्टूडियो में काम अभी शुरू नहीं हुआ है तो वो भी शुरू करना है, बहुत जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इधर आरू और अनिल मस्ती कर रहे हैं, परेशान है। ये उधम चालू है दोनों का, दोनों उठ गए थे जल्दी और ये पापा का, मम्मा का, अनय का, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ले दिया, ये दिया, ये वहाँ नहीं रखो। आरु परेशान कर रहा है, ये मोटू पतलू की जोड़ी, उसके हाथ में क्या है? ये स्टिक उसका है, हाँ दे दो उसको, दे दे दो। तो यहाँ आर्या मैडम मुरमुरे खा रही है, फ्रैंक्स खा रही है, उसको बहुत पसंद आते हैं ये। हो गए हम तैयार, अभी अनय का स्कूल देखने जाना है, आरू भी रेडी हो गई जी, उधम चला चालू कर दिया मैंने। तो अभी हम अरुण शुदा के यहाँ हैं और अभी हम जा रहे हैं दूसरे एक साइड पे, ये स्टूडियो पे पीछे देखते हैं। सवेरे उठ के स्टूडियो में जाके पेंटिंग चालू करो, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुछ और करूँगा तो हो गया। हम अभी अच्छा वैक्सीन आज ले लिया, थर्ड वैक्सीन बूस्टर वाला, बूस्टर है। ओके मैं मेरे दोनों ले लिया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं अंपाड़ में, अंपाड़ विलेज के पास ये जगह है। ये नया बना है ना? नया तो नहीं है, हो गया भाई 6 साल हो गया। ओके हम जब पहले थे तो ये नहीं था, फर्स्ट टाइम चल रहा था। हाँ इसके बाद एक्चुअली बहुत इजी हो गया और भीड़ भी नहीं है। ओके अभी तो उधर तो बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये रास्ते में एक आएगा जो फ्रेट कॉरिडोर है। हाँ तो ट्रेन और 8 ट्रैक रोड जा रहा है, मतलब ब्रिज जैसा जाएगा इसी में। हाँ इसी के ऊपर से क्रॉस होगा, तुम्हारे घर के उधर से जा निकलता है। अच्छा वो जो बॉम्बे और अहमदाबाद का वो, बॉम्बे अहमदाबाद दिल्ली सब कुछ जोड़ दिया जाएगा। ओके इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो इंडस्ट्री का जो माल है वो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, नॉर्मल ट्रक और ट्रेन तीनों के थ्रू निकल जाएगा ये। ओके सारा एक्चुअली डॉक वगैरह जहाँ पर ये है, पोर्ट वगैरह है। अच्छा वहाँ तक जाने हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर ही है ना वो पोर्ट? हाँ उससे जुड़ा रहेगा। तो वहाँ जो सामने है वहाँ है जिगर सर का ऑफिस, ये जो है ना बिल्डिंग, स्पान बिल्डिंग, वहाँ नर्मदा का कैनल है, नर्मदा का पानी। वो क्या है? हाँ वो तो वो ब्रिज बन रहा है, कंक्रीट बन रहा है। ये रास्ता से तुम चले जाओ, हम सीधे से ले जा सकते हैं। ये गेट आएगा और
मतलब यही अम्पाड़ी पूरा अम्पाड़ है अम्पाड़ विलेज आ गए। वाओ सही मस्त जगह है। तो सही नीचे क्या है ये रूम रखा है इसमें मशीन फसल से अच्छा दाली बुदाली ये सब रखना है मतलब यहाँ कोई आके ऐसे रहना करना होता है जगह बहुत प्यारी है बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं वाकई ये छोटे के अंदर बहुत अच्छा सा है ये छोटा सा किचन सही। ओपन बाथरूम ये ओपन बाथरूम का कॉन्सेप्ट अभी मैं खुदा ही गया था ना तब वहां देखा बंदरों ने ये पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था ना हाँ एक दो तीन ओके अच्छी जगह इन्वेस्ट किया अब अच्छी जगह इन्वेस्ट किया अब ओके ये तो मुझे लगा था आपका है पहले का ये लॉन वाला ही घास है ना हाँ ये ध्यान रखना पड़ता है तो वो दुब्बी और अलग वो कर देता है। तो आज हम यहाँ है अरुणांशु दास के फार्म हाउस पे फार्म हाउस बोल सकते हैं ना बनना था फार्म हाउस ये स्टूडियो कम फार्म हाउस है तो यहाँ इन फ्यूचर में ये रेसिडेंसी का प्रोग्राम है और आने वाले समय में जो भी आर्टिस्ट जो वाकई आर्ट को लेके डेडिकेशन से काम करते हैं उनके लिए एक बड़ौदा में एक ऐसी जगह हो सकता है। पीछे आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे मंथली रेसिडेंसी भी कर सकते हैं जिसके एवरेज में कुछ पैसे नहीं काम हेट करने होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो प्रोजेक्ट होती हैं इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बताएंगे बट ये एक लोकेशन है जहाँ पे कोई भी बाहर का व्यक्ति आके अगर व्यक्ति बोले तो आर्टिस्ट आके अगर काम करना चाहें तो ऐसी जगह पर काम कर सकते हैं और उसके लिए एक छोटा सा आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा
फिर उसके बाद आप आके एक महीना अपना काम करके जा सकते हैं लेते हैं। इस तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे, किचन वगैरह भी है, वॉशरूम है, फ्रिज है और जितने का निकले बेड है, बस अपना नौकरी उठाए और काम करें। और ये लॉन और पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, यह है फार्म हाउस, कीड़े मकोड़ों की वजह से ये ऊपर उठ के बनाया गया है। यह है चीकू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ओ, अब आगे बढ़ते हैं। गया है यहाँ और सो रही है और मुझे भी नींद आ रही है पूरा दिन भर की थकावट। तो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।